अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने मामा के साथ आ चुके हैं मछली मारने के लिए। तो यहाँ पे मछली मारा जा रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे मछली मारने आते हैं। और ये हमारा, ये तमाम कोने से हमारा नहीं है, लेकिन जो भी है सबका है। पोठिया पकड़ा के वहाँ जाएगा। ये दमाम कॉर्नेस का व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट ये अंदर लेके गया है, उसके बाद यहाँ से घुमाकर फिर वहाँ पे लाया गया है, फिर उसके बाद उसके अंदर, फिर इधर, फिर उधर। यानी ये डिज़ाइन के शक्ल में इसको बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादातर एडजस्ट हो पाए और कम जगह में ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। और खूबसूरत भी लगता है यहाँ पे। वाव, शाम हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है और तेज़ हवाओं के बीच में यहाँ पे हम सिर्फ शर्ट पहनकर बैठे हुए हैं और यहाँ पे मछुआरे लोग मछली भी मार रहे हैं। और यहाँ पे मछली मारने के लिए सभी देश के लोग आते हैं और सभी देश के लोग मछली मारते हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, फिलिपिनी, बंगाली, यानी हर कंट्री के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो अपने हिसाब से मच्छी मारते हैं और पकाते हैं और टाइम पास भी करते हैं। मच्छी तो थोड़ा बहुत आता है और अपने अपने हिसाब से, यानी दो चार आदमी के हिसाब से हो जाता है, और जाकर बनाते हैं, फ्राई करते हैं, उसके बाद आनंद लेकर सो जाते हैं। काम धंधा है या नहीं है कोई मसला नहीं है, बस कमाइए, खाइए, सो जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं एक मच्छी पकड़ा गया है। यहाँ पे आने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा यही होता है कि आप सारा चीज़ भूलकर, सारा गम भूलकर यहाँ पे आकर थोड़ा बैठते हैं और यहाँ का हवा का आनंद लेते हैं, तो दिल को सुकून मिलता है और हर गम भूल जाते हैं और दिमाग में जो भी टेंशन है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का ये हवा और यहाँ का जो समुद्र का पानी है, लहर तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पे शांति में आकर बैठते हैं, हालांकि भीड़ वाले इलाका में हम नहीं बैठे हैं, शांति इलाका में बैठे हैं ताकि कुछ दिल को सुकून मिले। और काम धंधा तो बात की बात है, बाद में मिले या ना मिले, लेकिन आप लोग खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। और जो लोग भी सऊदी अरब में आते हैं, काम का थोड़ा मसला है तो इसकी वजह से वो परेशान होते हैं, तो यहाँ पर आकर थोड़ा आनंद लेते हैं और सुकून पाते हैं। शाम हो चुकी है और यहाँ पे अब समंदर किनारे से ऊपर आ चुके हैं और अब हम लोग रूम पे जा रहे हैं, लेकिन मौसम अच्छा है और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, खाली खाली है अभी, लेकिन
टैक्सी मिलने का अंदेशा यानी बहुत कम हो चुका है, टैक्सी नहीं मिलेगा इसलिए हम लोग शाम को ही घर लौट रहे हैं। देख सकते हैं, अरे बाबा क्या लाइटिंग है, और इधर सब मछुआरे लोग हैं, मच्छी मार रहे हैं। जगह पे तो आ चुके हैं, टैक्सी वाला नहीं आ रहा है। उधर से टैक्सी वाला परेशान हो गया था आते आते, और इधर से लग रहा है हम लोग को भाड़ा ज्यादा देना ही पड़ेगा। जब तक इंतजार करते हैं कोई तो टैक्सी वाला आएगा। सबके पास यहाँ पे अपना ही गाड़ी होता है, हम लोगों के पास नहीं है, इसीलिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप देख सकते हैं क्या यहाँ का हरियाली है और यहाँ का माहौल है और सर सफाई का ख्याल रखा गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी। तो यहाँ पे ये सब पार्किंग एरिया है, यहाँ पे जो भी आपको नज़र आ रहा है ये सब पार्किंग एरिया है, और इसके पीछे डायरेक्ट समंदर है, और वहाँ पे जाकर सब इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उसके बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो झाड़ के नीचे भी ऐसा लग रहा है लाइट लगा हुआ है, वाओ ये लाइट डिजाइनर वाला लाइट। खजूर नहीं पला हुआ है, खजूर, खजूर का सीजन खत्म है, खजूर का सीजन खत्म है, इसकी वजह से खजूर भी नहीं है।